सीएम रघुवर दास धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने 101 जोड़े का सामूहिक विवाह कराया। पिछले 5 वर्षों से लगातार इस तरह के काम के लिए समिति ने उन्हें धन्यवाद दिया। उपस्थित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उनके सफल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब लोगों के लिए इस तरह के आयोजन बेहद जरूरी होते हैं और इससे समाज की कई कुरीतियों से लोगों को मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के हाथ गरीबों के साथ का नारा सुनने को मिलता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सरकार अमीरों के साथ देती है, गरीबों को और गरीब करती है। अवसर पर जो स्टेज में बैठे हमारे सभी नौ दंपति वर वधूगण और इस विवाह की समाज के रूप में भगवान के रूप में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम आयोजक बंधु को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार 5 वर्षों से ज्यादा इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के द्वारा समाज में वैसे गरीब तबके के लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उनको सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी 3200 से इस संस्था के पदाधिकारीगण को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सामूहिक विवाह समाज को स्वस्थ रखने की दिशा में लिया गया एक मजबूत कदम। हम देखते हैं कि शादी विवाह में कितने पैसे खर्च होते हैं, इसका अनुभव मुझे है क्योंकि मैं भी एक मजदूर गरीब परिवार से आता। गरीबी किसे कहता है इसका एहसास मुझे है, दुख किसे कहता है इसका भी मुझे एहसास है। यही सामूहिक विवाह अगर परिवार के लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं तो आप देखें लाखों रुपये खर्च होते हैं। सगे संबंधी परिवार को आमंत्रण देना, फिर रेल वाला, बस वाला, ये आवश्यक खर्चाएं अगर हम पारिवारिक बनाते तो एक विवाह जोड़े में लाखों रुपया खर्च होते हैं। नेक्स्ट हम लोग धनबाद को ही टारगेट रखे, अभी 5 हमारा उड़ान धनबाद का, अभी हमने हाल में बैठक की है, बहुत जल्द बोकारो की यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो बोकारो और धनबाद में कोई अंतर नहीं है, आप बॉम्बे जाओ, बड़े बड़े शहर जाओ, कलकत्ता जाओ, 1 घंटा आपको लगता है। कलकत्ता गया ना, वो एयरपोर्ट पकड़ने में कितना देर लगता है। तो बोकारो और धनबाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो धनबाद शुरू होने दीजिए, ठीक है दीदी लोग। नेक्स्ट धनबाद, बोकारो कंप्लीट होने के बाद धनबाद का भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, वहां भी एयरपोर्ट खुलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई में उड़े। हम दुमका में भी उड़ान स्टार्ट कर रहे हैं, जमशेदपुर में भी कर रहे हैं, पलामू में भी कर रहे हैं, देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और 24 तारीख को डालबुनगढ़ द्वितीय विश्व युद्ध का जमीन पड़ा हुआ था रंग में। सोभी का सपना कि हमारा गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवा में उड़े, इसलिए जगह जगह। धनबाद से ये थी मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट।